के मैप विद डोंट केयर कंडीशन। इसी में के मैप की सीरीज में ही कई बार डोंट केयर कंडीशंस में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो डोंट केयर का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लो आप। डोंट केयर मींस होता है अनरेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। मैं लिख देता हूं यहां पे। इसका मतलब होता है अनरेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट मे बी जीरो और वन। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे डिनोटेड बाय क्रॉस इस तरीके से या एक्स लगा के। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कहीं पर भी ये जीरो के साथ भी ऐड हो सकता है, वन के साथ भी ऐड हो सकता है, और डिनोटेड बाय क्रॉस किसी के साथ भी इसका हम लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल साथ समझाता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया गया है एफ ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू सिग्मा ऑफ 1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 15 प्लस डोंट केयर कंडीशन डी ऑफ 0, 3, 5, 12। तो ये देखिए मैंने आपकी टेबल बना रखी है। ए बी इधर लेता हूँ, सी डी इधर लेता हूँ, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1। ठीक, अब इसमें जो ये नंबर्स प्लस सिग्मा के डेसिमल मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्म है इसको फिल कर दीजिए। तो करिए, अब मैं नंबरिंग नहीं लिख रहा हूँ, आपको याद हो जानी चाहिए, लास्ट वीडियो मैंने बता चुका हूँ। तो जीरो इधर होता है, वन इधर होता है, फिर 0, 1, 2 इधर होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये जहां जहां पर भी ये नंबर ये दिए गए थे वहां मैंने 1 फिल कर लिए। अब जो डोंट केयर कंडीशन दी गई है इन पे आप क्रॉस लगा दीजिए। तो 0 तो ये रहा 0 पे क्रॉस, 0, 1, 2, 3 तो यहां पर भी क्रॉस, इसके बाद 4, 5 पे क्रॉस, फिर क्या दिया है 11, 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये लग गए हमारे क्रॉस। ठीक है, अब हम लोग करते हैं पेयरिंग। पेयरिंग देखिए भाई, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ऑक्ट की पेयरिंग, 8, 8 की, 6 की पेयरिंग नहीं करते हैं ना। 8 देखिए कहां पर मिलेंगे, कहीं नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, 8 नहीं मिले फिर हम क्वाड की पेयरिंग, 4, 4 की पेयरिंग करेंगे। अब देखिए डोंट केयर कंडीशंस को हम लोग पेयर में इंक्लूड करते हैं, पेयर बनाने के लिए इनका यूज कर लेते हैं। तो देखिए एक पेयरिंग 4, 4 की ये होगी। ठीक है, दूसरी 4 की पेयरिंग इसको भी कर सकते हैं लेकिन हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम एलिमेंट आ जाए, तो मैं इसको ऐसे करता हूं। दूसरी पेयरिंग ये, तीसरी पेयरिंग ये डोंट केयर लगे हुए, कोई दिक्कत नहीं, डोंट केयर को आपको लगाना है तो ये वाली हो गई। ठीक, तीन पेयरिंग, अब कौन सा एलिमेंट बचा, ये बचा ना, तो इसके लिए 2 की पेयरिंग करना हमारी मजबूरी है तो ये। ठीक, अब हो गए सारे पेयरिंग। देखो अब ये डोंट केयरिंग केयर कंडीशन एक छूट दे, अगर कोई डोंट केयर कंडीशन किसी पेयरिंग में नहीं आती है तो वी कैन इग्नोर इट। देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि 1, 1 की सारी पेयरिंग करेंगे, 1, 1 की सारी पेयरिंग करेंगे, और अगर कहीं पर डोंट केयर की हेल्प लेनी हो तो डोंट केयर की कंडीशन की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने ली हुई है पेयरिंग, बट अगर कोई डोंट केयर रह जाता है तो डोंट उसके लिए हम कोई नियम नहीं लेंगे। अगर वो रह जाता है केवल डोंट केयर रह जाता है तो उसको फिर हमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं। ठीक, लिखा हुआ है ये इधर आएगा 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1। अब देखिए पहले हम इसका देखते हैं क्या आएगा आंसर, ए बी। तो
ए बी प्लस, अब इस वाले सर्किल का देखिए जो ये मैंने बनाया था, इसके लिए क्या आएगा ए डैश, देन फिर इधर सी प्लस, इस वाले सर्किल के लिए देखिए ये जो मैंने बनाया था ए डैश डी डी प्लस, ये दो वाला रह गया था, इसको जब देखिए क्या होगा ए आ गया ए सी डैश डी डैश, तो सी डैश डी डैश। तो इस तरीके से हम किसी भी डोंट केयर कंडीशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अवर ऑब्जेक्टिव कि डोंट केयर कंडीशंस की हेल्प हम ले सकते हैं किसी भी के मैप को सॉल्व करने के लिए, ग्रुप को सॉल्व करने के लिए, पेयर को सॉल्व करने के लिए, बट केवल अगर डोंट केयर रह जाता है तो उसको फिर हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट सारा वही रहेगा जो हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट का रूल्स जो लगाते थे वही लगेंगे, और जैसा हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सम के केस में करते थे वैसा ही हम प्रोडक्ट ऑफ सम के भी केस में करते रहे। ठीक, लास्ट वीडियो में मैंने एक पेयरिंग नहीं बताई थी आप लोगों को, अगर पेयरिंग इस तरीके से दी जाती है, मैंने कॉर्नर्स की बता दी थी, अगर ये पेयरिंग दी जाती है तो आप इसकी और इसकी पेयरिंग कर सकते हैं, ये मैंने बताया था, अगर यहाँ यहाँ पर भी है तो ये फिर चार की पेयरिंग बनेगी इस तरीके से, एक दो तीन चार, इन चारों को फिर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो मैं डोंट केयर की एक और प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा देता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल दिया गया है एफ ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू सिग्मा 1, 5, 6, 12, 13, 14 प्लस डोंट केयर दिया गया है 2, 4। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं सब वैल्यूज डाल देता हूं, ए बी सी डी 0001 1011 0001 1011, एंट्रीज फिल कर दीजिए 1, 5, 6, 12, 13, 14 की पहले, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1 यहाँ पे तो जीरो रहेगा ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक, अब इन पोजीशंस पे डाल दीजिएगा जो आपका 2, 4 है, तो 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, ये इसको क्रॉस करते हैं, एक क्रॉस ये हो गया और एक क्रॉस ये, इसकी पेयरिंग करते हैं, और ऑफ के कारण कोई बनता हुआ दिख नहीं रहा है, तो चार का बना देते हैं, ये 3, 5, 1 है, आप 6 वैल्यू 6, 6 वाला लगे। अब बनाइए ग्रुपिंग, पहले 4 की बनाएंगे, तो सपोज करो मैंने ये बना दी, ये 4 की, अब गेम 4 की ऐसे कर लीजिए, 1, 2 का इधर गया और 1, 2 का ये गया, अब ये दोनों रह गए हैं, तो 2, 2 की पेयरिंग करनी पड़ेगी, यहाँ 4 का बन नहीं पाएगा, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब आंसर कैसे लिखेंगे, 4, 4 वाले का देखिए ग्रुपिंग का क्या आएगा आंसर, बी, फिर इधर क्या बच रहा है सी डैश प्लस, इन 4 का क्या होगा बी और डी डैश प्लस, 4 क्या हो गए अब ये दोनों का, है ना। अब इसमें एक चीज देखिए, ये ग्रुपिंग नहीं बनेगी जो ये वाली हम लोगों ने बनाई थी, क्यों, ये तो डोंट केयर कंडीशन थी ना, इसके लिए क्यों कंसीडर करेंगे, केवल इसके लिए रखेंगे ना, ये तो डोंट केयर कंडीशन है, डोंट केयर कंडीशन अगर छूट रहा है तो
छूट जाने दीजिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए क्या मिलेगा आपको, ए डैस और सी डैस डी, ए डैस सी डैस डी, सिंपल। ठीक, तो पहले मैंने चार की ग्रुपिंग बनाई, फिर इन चार की बनाई, फिर इस दो की बनाई, ये तो क्रॉस लगा हुआ है तो डोंट केयर मैपिंग करने की जरूरत नहीं होती है, वन की मैपिंग हम लोग करते हैं। ठीक, अगर यहाँ पर पाई लिखा हुआ हो तो आप प्रोडक्ट ऑफ सम वाला लॉजिक लगाइएगा, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, और बाकी सबका सॉल्व करने का लॉजिक सेम। ठीक है, ओके।